श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम, राम सच्चिदानंद भगवान की सनातन धर्म की चाहे हमारी अनुभूति स्वप्न की हो चाहे हमारी अनुभूति जागृत अवस्था की हो स्वप्न भले मेरे ख्याल के ही हैं, वहाँ कोई वस्तु नहीं है यहाँ भले ही वस्तु है सत्य है व्यवहारिक है पर अनुभूति चाहे स्वप्न में हो सुख या दुख की जागृत में हो सुख या दुख की अनुभूति काल में दोनों समान होते हैं जब स्वप्न में हमें कोई हानि होती है तो उसी तरह दुख होता है जैसे जागृत की हानि में मान लो चोरी हो जाए स्वप्न में तो दुख होगा जागृत में चोरी हो जाए तो दुख होगा माने दुखानुभूति समान है इसी तरह से लाभ स्वप्न में हो तो भी खुशी होती है जागृत में हो तो भी खुशी होती है अनुभूतियों में कोई फर्क नहीं है फर्क यह है कि स्वप्न की अनुभूति का सुख दुख जागने पर निवृत्त हो जाता है उसके लिए समय की और अन्य पुरुषार्थ की अपेक्षा नहीं है ध्यान दें स्वप्न का सुख या दुख समय से जाए कितने समय में जाए ये अपेक्षा नहीं सिर्फ नींद खुल जाए नींद का अंत हो जाए तो उस सुख दुख का अंत हो जाता है जागृत जगत में जो हमें सुख हुआ है दुख हुआ है बिना जागे भी जाते हैं बिना ज्ञान के बिना आत्मज्ञान के बिना मिथ्या हुए भी जाते हैं पर टाइम से जाते हैं निर्धनता का दुख धन आने पर जाता है चोरी का दुख धन मिल जाने पर जाता है सुख दुख जागृत के भी जाते हैं पर वो ज्ञान से नहीं जाते वो परिस्थिति के बदलने से चले जाते हैं ध्यान दें जागृत के सुख दुख ज्ञान से शायद कभी नहीं गए जैसे स्वप्न के सुख दुख जागने से चले गए ऐसे ही जागृत के सुख दुख हानि लाभ ज्ञान से यदि चले जाएं, तो ये भी स्वप्न हो जाए ये समय से जाते अपमान हुआ था साल छह महीने में चला जाएगा घाटा हुआ था धन आएगा चला जाएगा इस तरह से समय जागृत के सुख दुखों को भी खत्म करता रहता है जागृत में सभी समस्याओं का इलाज समय कर देता है समय एक ऐसी धूल ही डाल देता है कि वो चीजें धुंधली हो जाती हैं दुख भी सुख भी लाभ हानि भी वो हमारे लिए उतने गहरे और स्पष्ट नहीं रहते उनमें समय की पुर्त पड़ गई समय की धूल पड़ गई जागृत में स्वप्न में मृत्यु हो गई जन्म हो गया लाभ हो गया कुछ हो गया जागे खो गया पुत्र हुआ अब जागृत में पुत्र हुआ वो खुशी है मृत्यु हो जाए तो दुख है अब वो समय में जाएगा कभी ना कभी दुख पुत्र की मृत्यु का दुख भी जाएगा पर अभी तक ज्ञान से नहीं गया लोग कहते तो हैं ब्रह्म ज्ञान से चला जाता है आत्मज्ञान से चला जाता है सत्य के पाने से चला जाता है इसीलिए आध्यात्मिक लोग कहते तुम सत्य की याद करो सुख दुख चले जाएंगे अब इसी का दूसरा पक्ष स्वप्न के सुख दुख जगने पर जाते हैं जागृत के सुख दुख भी जिस दिन ब्रह्म ध्यान से ब्रह्म ज्ञान से ब्रह्म चिंतन से जाएंगे उस दिन तुम दुख सुख के हटाने के लिए समय के मोहताज नहीं रहोगे आएंगे सुख दुख आएंगे पर वो स्मरण मात्र से चले जाएंगे जैसे स्वप्न के जागने मात्र से जाते हैं संसार के सुख दुख प्रभु की याद मात्र से जाएंगे और जिसकी याद मात्र से चले जाएं समय की पर अपेक्षा न रहे समझो वही परमात्मा है वही सत्य है जितनी देर हम जागे रहेंगे स्वप्न के सुख दुख हमें नहीं सता सकेंगे ठीक इसी तरह जितनी देर हम ब्रह्म या परमात्मा के स्मरण में होंगे संसार का सुख दुख सभी स्वप्नवत हो जाएगा इसीलिए प्रचलित है चौपाई या कवियों की या तुलसी की मुझे नहीं मालूम जानव तब ही कि अब हम जागे तब समझना कि हम जग गए जानो तब कि अब हम जागे जब मन सब विषयनते भागे या सब विषय झूठे हो जाएं जे ही जाने जग जाए हेराई जे ही जाने जिसके जानने से जगत झूठा हो जाए हिरा जाए माने झूठा लगने लगे स्वप्न झूठा कब लगता है जगने से जगत झूठा कब लगता है परमात्मा के जानने से इसलिए जे ही जाने जग जाए हेराई जागे यथा स्वप्न भ्रम जाए, जैसे जागने पर स्वप्न भ्रम जाता है ऐसे ही जिसके जानने से जे ही जाने जग जाए जागे यथा स्वप्न भ्रम जाए स्वप्न की सत्यता का होने का भ्रम जागते चला जाता है तो जगत की सत्यता का सुख दुख का मौत का भ्रम जानने से चला जाता है और जिसके जानने से जगत का सत्यपना चला जाए सुख दुख चला जाए लाभ हानि का ख्याल चला जाए उसी का नाम परमात्मा है परमात्मा किसी व्यक्ति का नाम नहीं है आप रामायण उठाकर देखिए गीता उठाकर देखिए भले गीता में भगवान कृष्ण एक व्यक्ति की तरह खड़े हैं हम सबको लगता है भगवान है लेकिन भगवान जब कहते हैं तो क्या कहते हैं मैं एक व्यक्ति हूं सब जगह नहीं हूं और चलो ये भी मान लें कि यदि भगवान कहते मैं सब जगह हूं तो शरीर से सब जगह है क्या है भगवान जो सब जगह है या यदि मैं कहूं मैं स्वप्नों का साक्षी हूं मैं ही बोलता हूं मैं स्वप्नों को मैंने देखा है तो जिस मैंने सपनों को देखा है वो मैं यहां बैठा हुआ है इस बैठे हुए का नाम मैं है जिस मैंने स्वप्न देखा है अब देखो मैं ही कह रहा हूं ना मुझे आप यहां बैठा देख रहे हैं। अब मैं बैठा हूं और मैं कहता हूं स्वप्न मैं देखता हूं स्वप्न मैंने देखे हैं जिस मैंने स्वप्न देखे हैं वो इतना मोटा होता है स्वप्नों का दृष्टा कोई हाथ पैर ये आंखें तो जिसने स्वप्न देखा है वो मैं कैसा है आप मुझे देख रहे हो तो जब कृष्ण कहते हैं मैं सब जगह हूं सब मुझ में है वो कृष्ण आपके को नजर आया ये ग्रंथ कितने पेचीदा हैं ये हिंदुओं की बातें कितनी रहस्यमयी हैं वही गीता वही कृष्ण तुम सुनते पढ़ते हो, वही हम पढ़ते सुनते यदि मैं दे हूं यदि यही मैं हूं तो ये, इसने यदि ये मैं हूं तो इस मैंने कभी स्वप्न नहीं देखा और किसी का देह स्वप्न नहीं देख सकता ये तो मरे की तरह पड़ा रहता ये क्या देखेगा स्वप्न इसे तो अपनी खाट का पता नहीं रहता इसे अपनी जेब का पता नहीं रहता इसके मुंह से लार बहने लगती है सोते में उसका इसे पता नहीं रहता इसको है ही क्या पता इसमें तुम बैठते हो तो ये पता लगने लगता है तुम स्वप्न देखने लगते हो स्वप्न देखने वाला कोई हाथ पैर नहीं है जब स्वप्न का दृष्टा मैं ही हाथ पैर नहीं हूं तो भगवान को हाथ पैर वाला मानना तो हम कथाएं तो रोज सुनते हैं मैं ये नहीं कहता कि ये मेरे कहने के बाद आप मेरे पैर नहीं छुए मेरे पर श्रद्धा नहीं रखें पर क्या यही मैं हूं इसके द्वारा इस शरीर के माध्यम से जो मैं हूं कि सपनों को मैंने देखा इस सत्य का वर्णन इसके सहारे आपसे कर रहा हूं। और आप भी इसके सहारे उसी को सुनो जो इसने स्वप्न देखा है यदि यहां स्वप्न देखने वाला मैं देह नहीं हूं तो वहां स्वप्न देखने वाला भी देह नहीं है ये नहीं कि मैं ही देह नहीं हूं जैसे देह के माध्यम से मैं सुनाता हूं ऐसे ही देह के माध्यम से आप समझें और मैंने समझ लिया है कि मैं देह नहीं हूं आपको समझना है कि आप भी देह नहीं हो जो कृष्ण समझते हैं कृष्ण जो बोलते हैं वो अर्जुन को समझना है कोई ग्रंथ उठाकर देखिए परमात्मा व्यापक है अब ये हम चेतन है भगवान को हम चेतन है अब चेतन है तो जो चेतन नाम का हम है वो देह है क्या ये तो जड़ है और और गहराई पर जाओगे तो बुद्धि भी सोती है बुद्धि भी जड़ है तो स्वप्नों को और बुद्धि के सो जाने को क्योंकि सो जाना भी किसी से तो सिद्ध होगा मकान की जड़ता मकान को नहीं मालूम मकान की जड़ता हमको मालूम है तो बुद्धि की जड़ता का साक्षी बुद्धि नहीं हो सकती इसी तरह से अभी अभी मैं इस श्लोक भगवान कृष्ण का याद कर रहा था न असतो विद्यते भाव न सतो न सतो विद्यते भाव जो सत है न सता न सतः विद्यते अभाव सत का अभाव नहीं हो सकता सत का अभाव कभी विद्यमान नहीं हो सकता एक सेकंड को भी अभाव न विद्यते अभाव विद्यमान नहीं होगा जरा ध्यान दे शब्द में जो सत है उसका अभाव कभी भी नहीं हो सकता माने अभाव विद्यमान नहीं होगा न सतह विद्यते विद्यते अभाव सत्य का अभाव किसी क्षण नहीं हो सकता जैसे स्वप्न किसी क्षण विद्यमान हुआ जरा ध्यान देना स्वप्न सदा विद्यमान है या कुछ क्षण बोलो कुछ क्षण विद्यमान है जैसे कुछ क्षण को स्वप्न विद्यमान है तो सत्य एक क्षण को भी अविद्यमान नहीं हो सकता सत उसे कहते हैं जिसका किस एक सेकंड को भी अभाव नहीं हो सकता यदि सेकंड को भी अभाव हो जाए तो वो सत्य नहीं हो सकता इसलिए न असतो न सतो न सतो विद्यते भावा, अभावा, भाव अभाव और न भावो विद्यते सतः अब जो अभाव है उसका क्षण भर भी सत्य नहीं हो सकता अभी मैंने थोड़ा उल्टे ढंग से एक बात समझाई कि स्वप्न एक क्षण को तो विद्यमान था लेकिन स्वप्न ही विद्यमान था कि सत्य विद्यमान था जो विद्यमान था वो सत्य था क्या यदि सत्य होता तो फिर चाहे मैं जग जाऊं कहीं चला जाऊं वो विद्यमान बना रहता ये माला यहां रखी है यदि मैं उठ के चला जाऊं तो ये अविद्यमान हो जाएगी यदि स्वप्न है तो मैं जग जाऊं आंख बंद कर लूं या खोल लूं मेरे आंख खोलने से दिखने लगा मेरी आंख बंद करने से ना दिखने लगा कि खत्म हो गया यदि स्वप्न है तो मेरे जग जाने से या कहीं आने से वो बना रहे आप यहां हैं मैं चला जाऊं तो मैं अभी यहां नहीं था तो आप यहां नहीं थे मेरे यहां आने से आने से तुम्हारे अस्तित्व को क्या फर्क पड़ता है यदि मिट्टी के होने से घड़ा का अस्तित्व है और मिट्टी के हटाने पर घड़े का अस्तित्व नहीं है इसका मतलब घड़े का अस्तित्व ही नहीं है अस्तित्व तो मिट्टी का ही है तुम्हें घड़ा लगता है तुम उसे घड़ा कहो तुम घड़े की तरह काम लो मना नहीं करते लेकिन अस्तित्व तो घड़े का है कि मिट्टी का इसका सबूत क्या है कि मिट्टी का है घड़े का नहीं कह मिट्टी हटा लो यदि उसका भी है तो हटाने पर रहे या मिट्टी को छोड़कर कहीं चला जाए मिट्टी से अलग जाए तुम अलग हो मैं अलग हूं तुम अलग गए मैं अलग गए पति पत्नी दो का अस्तित्व है साथ रहे तो दो हैं अलग अलग हो जाए तो दो हैं घड़ा और मिट्टी दो अस्तित्व नहीं है इसलिए न सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः असल में जिसका अभाव है वो सत एक क्षण को भी होता नहीं एक क्षण को भी सत नहीं होता घड़ा दिखता है सत होता तब भी नहीं है तो उसमें सत्य मिट्टी इसी तरह से जिसकी सत्यता ही और की तरह दिखती है वो भी उसे जो उस सत्य को ठीक से नहीं देखता रस्सी में दिखने वाला सांप देखो ध्यान देना प्रकाश लाने पर प्रकाश से देखने पर चला नहीं जाता मर नहीं जाता खो नहीं जाता क्योंकि खोने के लिए भी होना चाहिए जाना चाहिए या मर जाना चाहिए रस्सी में दिखने वाला सांप उजेले से दिखना बंद हो जाता है दिख रहा था दिखना बंद हो गया कि मर गया कि चला गया कि था प्रतीत होता था बस प्रतीत होना गया स्वप्न भी प्रतीत होता था प्रतीति के कारण उसके धर्म तुम्हें लगते थे जागते ही ना तो गया ना मरा प्रतीत होता था प्रतीत नहीं होता है सा लगता था नहीं सा लगने लगा इसीलिए एक शब्द बड़ा चमत्कारिक है स्वकाले सत्यवत भाति प्रबोधे असतवत भवे वत शब्द का प्रयोग है स्वकाले सत्यवत भाति प्रबोधे असतवत असत्य नहीं होता असत्य होने का मतलब पहले सत्य हो सत्यवत भाति पहले सत्य सा लगता था अब असत्य सा लगता है क्योंकि सांप को रस्सी के सांप को गया कहना ज्यादा सही नहीं है गया का मतलब था बात समझ में आ रही ना इसी तरह से जगत आहा ब्रह्म में आत्मा में जगत की प्रतीति होती है पर अब आपको कैसे समझाऊं कभी विचार करो फिर देखो क्या है इसलिए ब्रह्म वेदम सर्वम मयातिरिक्तम यद यदवा तत्द मिथ्य निश्चिन् जो तुम्हें अपने मैं से अलग देह नहीं देह से अलग नहीं बोला मैं मैं से अलग मैं अतिरिक्तम यद यद व तद मिठे निश्चिन मै से अतिरिक्त तुमको जो लगता हो ये है ये है ये है विचार करो जरा तत् मिठे थी मैं, मैं मैं को जो लगता है सब मिथ्या है मेरे सिवा मिट्टी में मिट्टी के सिवा जो मिट्टी के अतिरिक्त तुम्हें लगता है ये घड़ा है ये सकोरा है ईटा है मिट्टी के अतिरिक्त यदि तुम्हें लगता है ये है तो उसको झूठा मानो वो है नहीं यदि और कुछ है तो है नहीं यदि मिट्टी है तो, तो है इसीलिए मैं क्या चीज हूं मैं कोई खिलौना हूं मैं कोई ये ख्याल हूं? मैं वो हूं जिसमें ख्याल जिसमें सब लगता है यद अज्ञात अभूतवित जिस अपनी सत्ता की सही अनुभूति न होने से जिस मैं का सही स्मरण न होने से सब कुछ सच्चा लगता इसीलिए इस चौपाई को उलट के बोलो जे ही जाने जग जाए हिराई तो दूसरा भी बोलो ते ही जाने बिन जग दे दिखाई जिसके जानने से जगत हिरा जाता है नहीं लगने लगता है उसी के न जानने से यद अज्ञात यद अज्ञानाद अभूत द्वैतम उसी के अज्ञान से द्वैतम आभूत उसके अज्ञान से द्वैत की सत्यता लगती है अन्यथा आत्म वेदम सर्वम एक ही सत्य का वर्णन इस तरह से ब्रह्म वेदम सर्वम आत्म वेदम सर्वम अहमे वेदम सर्वम पुरुषे वेदम सर्वम एक ही अर्थ है जो अहमे वेदम सर्वम अहमे वासमेवाग्रत परम ये भागवत है अहमे वासमेवाग्रे अग्रे अहमे वास मैं ही था और अब भी जो सत असत है वो मेरे से अलग कुछ है नहीं है यो अवशेषे यो, यो सोस में हम जो सब खत्म होने पे जो शेष बचेगा वो मैं ही बचूंगा मैं ही था जैसा भी जो कुछ भी दिखता है किसी रूप में ये अब भी मैं ही हूं अब भी चाहे मरता जन्मता अनेकता जो भी दिखती है ये मैं ही दिख रहा हूं पर समझ नहीं आ रहा मैं ही था मैं ही हूं जो भी सत और असत जड़ चेतन भिन्न भिन्न जो भी मालूम पड़ता है अब भी ये मैं ही हूं और जो बचेगा जो सोचते हो कि तब क्या होगा यो अवशिष्यत सोच में हम जो बचा करता है सब खत्म होने पर वो भी मैं ही हूं इस तरह कोई सोचते ही नहीं पढ़ते ही नहीं वही गीता है वही रामायण है वही उपनिषद है वही प्रवचन है कोई दूसरे थोड़ा है इसीलिए ये भी एक विशेष तरह के सुनने की रुचि वाले ही लाभ ले सकते ये बहुत बचकानी बात नहीं है बहुत आसान भी नहीं है और बहुत कठिन भी नहीं है कठिन इसलिए नहीं है कि मैं यदि समझ गया तो मैं नहीं मानता कि कठिन है कठिन होता तो मैं भी ना समझ पाता क्योंकि मैं अपने को आपकी अकल से ज्यादा वो नहीं मानता पर हमने लगन से सुना और पहले यदि लगन नहीं थी तो लगती चली गई सुनते सुनते लगन बढ़ती गई आपकी भी बढ़ जाएगी और मुझे मालूम है कि बढ़ भी रही है नहीं ये कथा किस्सा कहानी जैसी है ही नहीं मेरी कथा मन लगने वाली कथा नहीं है लगता नहीं लगाना पड़ता है समझ में आता नहीं समझना पड़ता है सुनो या अकथ कहानी समझत बने न जाए बखानी ना तो समझत बने न बखानी जाए ऐसा भी अर्थ है न समझत बने न जाए बखानी समझत बने ना जाय बखानी ये ना बीच में है समझत बने ना जाय बखानी अर्थात न समझते बने न कहते बने कहत कठिन समझत कठिन साधन कठिन विवेक होए गुणाक्षर न्याय पुनि पुनि प्रत्यु अनेक बड़ी झंझट है बड़ी झंझट और तुम पहले के अनुभव से तर्क करते हो बिल्कुल पहले का अनुभव आड़े नहीं आना चाहिए जो शास्त्र कहता है आवे नावे वैसे ही मती बनाओ जरा ध्यान रखना धर्म के लिए थोड़ी बात सुन लो इसी प्रकरण में आपको कोई स्त्री पत्नी के अलावा तुम्हें सब स्त्रियां यदि मां बहन बेटी नहीं लगती नहीं लगती वैसे तो लगना चाहिए एक ही पत्नी है जिससे ब्याह किया है लेकिन अब नहीं लगती तो लगवाओ यदि धर्मात्मा बनना चाहते हो तो तुम्हारा मन नहीं मानेगा मानो मनाओ मन को तुम्हारा मन करेगा चोरी को नहीं करो मन तो करेगा इसी तरह से तुम्हारी बुद्धि ये तो धर्म का उदाहरण दे दिया ये आपका मन कोई बड़ा भरोसे का थोड़ा है रामायण में कितनी इसी तरह की बात है दूसरे की स्त्री के मस्तक को तदहु तात चंद्रा की नाई, आप पर लीला दूसरे की स्त्री के मस्तक से इतना परहेज करो जितना चौथ के चंद्रमा से ऐसे कि आज दिख न जाए पता चल जाए चौथ है तो ऐसे नीचे करके चलो अभिप्राय यह है दूसरे का धन धन पराय बिस ती विष भारी लगता है विष लगना चाहिए लगना चाहिए दूसरे का धन विष लगना चाहिए नहीं लगता तो ऐसे लग जाएगा क्या रामायण पढ़ने भर से उसमें सत्यता का आग्रह हट करना चाहिए योग ही में हट नहीं ये हट हठ योग हट योग हट योग धर्म क्या हट के बिना होगा जैसे धर्म के मामले में सारे मुझे नहीं आता असत्य झूठ नहीं बोलना चरित्रहीन नहीं होना ऐसा ही देखना दूसरे के धन कोई झूठ इसी तरह से जब कथा सुनो तो तुम्हारी बुद्धि में समझ नहीं आएगा हमें पता है नहीं आएगा पर श्रद्धा के कारण धीरे धीरे समझ आएगा तुम्हारी बुद्धि तुम्हारी हमारी ही नहीं मानती थी कि ये स्वप्न है हम सजाती, बिजाती स्वगत भेद शून्य ब्रह्म है हम सुनते थे तो जो हमारे गुरु भाई वाराणसी पढ़ते थे उनसे पूछते थे गुरुदेव से तो हिम्मत नहीं पढ़ती थी सच्ची बात है तो उनसे पूछते थे कि भी सजाती भेद भी नहीं है बिजाती नहीं है और चलो ब्रह्म के सजाती ये दूसरा ब्रह्म नहीं है ये तो संबुद्धि मान लेती पर ब्रह्म के विजाति इतनी बड़ी दुनिया खड़ी है विजाती भेद कैसे नहीं सजातीय भेद विजातीय भेद स्वगत भेद ब्रह्म में नहीं खैर ये विषय इसलिए मैं ज्यादा नहीं छेड़ूंगा पर इशारा कर दिया हमारी समझ नहीं आता तो आपकी समझ नहीं आए तो हमको ये घबराहट नहीं है हम इसमें आपकी कमी नहीं मानते कमी तब मानते हैं जैसे धर्म के लिए सौ प्रतिशत श्रद्धा चाहिए कि हम हिंदू हैं हमारे ग्रंथ ने ये कहा है हम मुसलमान नहीं है हम कुरान वाले नहीं है हमारे यहां एक पुरुष से दो पत्नियों से संतान हो हो तो भी हमारी बहन होगी उनके यहां नहीं होगी एक माँ से दोनों पैदा हो तो भाई बहन है यदि तीन माताओं से पैदा हो जाएं, तो उनकी शादी हो सकती उनके हिसाब से पाप नहीं है अब देखो क्यों अपने को हिंदू मानो मुसलमान से लड़ने के लिए हिंदू नहीं बात समझो हम इसलिए हिंदू हैं कि एक पिता से भी यदि कई पत्नियों से संतान हो तो भी वो हमारे भाई बहन होंगे बात समझ में आई इसलिए हम हिंदू हैं हम किसी से लड़ने के लिए हिंदू हैं ये हम नहीं कहते हमारी हमारे धर्म की जो मान्यता है तुम मुसलमान हो क्या जो तुलना करते हो यहां कहो हम हिंदू हैं हम कट्टर हिंदू हैं हम अपने धर्म ग्रंथ का पालन करेंगे और हमारे धर्म ग्रंथ ने कहा राम सेतु हमारे धर्म ग्रंथ ने कहा राम ने बनाया है कुरान कहे चाहे न कहे बाइबल कहे चाहे ना कहे नेता कहे चाहे ना कहे पर रामायण कहती है तो हम इसे मानेंगे कहो फलाना नेता कहता है ऐसी तैसी में जाए नेता विज्ञान जाए ऐसी तैसी में क्या विज्ञान के अनुसार कुरान वाले मानेंगे क्या विज्ञान के अनुसार बाइबिल वाले मानेंगे हम क्यों विज्ञान को अपने धर्म में आड़े आने दें हमारी आस्था है इसलिए तुमको मैं कहता हूं विज्ञान भी नहीं मानेगा जगत मिथ्या है विज्ञान नहीं मानेगा सहज नहीं मानेगा कि आत्मा एक है पर हमारे ग्रंथ कहते हैं आत्मा एक है अब एक है तो ये नहीं कहते कि आप मान लो जानो नहीं पहले ये विश्वास करो कि ग्रंथ कहते एक है अब इसको जाने कैसे जैसे बहुत बार पहले मैंने कहा रेखा गणित का एक सिद्धांत है क्या होता है साधारण प्रतिज्ञा क्या क्या होता है रेखा गणित में पहले साधारण होती ना किसी त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग बराबर दो समकोण के होता है यह कौन सी प्रतिज्ञा है साधारण प्रतिज्ञा अब इस साधारण प्रतिज्ञा को तो अब तुम्हें क्या करना है मुख्य प्रतिज्ञा क्या है कि माना आ बाशा एक त्रिभुज है आशा एक त्रिभुज है तो हमें सिद्ध करना है यह मुख्य प्रतिज्ञा सिद्ध करना है कौन आ कोण बा कोण सा बराबर दो के है, ये हमें सिद्ध करना है यह हमारी मुख्य प्रतिज्ञा साधारण प्रतिज्ञा मुख्य प्रतिज्ञा फिर हम कहेंगे आबा के समानांतर साया रेखा खींची या बा बासा को दातक बढ़ाया बासा को दातक बढ़ाया और आबा के समानांतर साया रेखा खींची फिर एकांतर कौन बराबर संगति कौन बराबर हा और संगति कौन एकांतर कौन बराबर और एक कोण दोनों में शामिल है सिद्ध करना है उपपत्ति अब सवाल इसी तरह से जो उपनिषद कहता है आत्मा ब्रह्म ये उसकी साधारण प्रतिज्ञा है ये अयम आत्मा ब्रह्म साधारण प्रतिज्ञा है आत्मा जन्मती मरती नहीं ये उसका साधारण प्रतिज्ञा है अब तुम्हें क्या करना है तुम्हें अनुभव से तर्क से प्रमाण से युक्ति से इस सच्चाई को स्पष्ट करना है कि आत्मा जन्मती मरती नहीं है मानना अकेला नहीं एक लड़का इसी पढ़ता हो और वो कह दे किसी त्रिभुज के तीनों अंता कोणों का योग बराबर दो समकोण के होता है सिद्ध करो परीक्षा में आ गया तो लिख दे कि मैं इस बात पर सौ प्रतिशत विश्वास करता हूं बस सिद्ध कुछ न करे पास हो जाएगा सौ प्रतिशत मैं मानता हूं कि यह सही है तो ऐसे ही तुम कहते हो हम मानते हैं वेद मानते रहो एक और नंबर नहीं मिलेगा पास होना है मोक्ष पाना है शांति पाना है और जिसको कहते हो सदगति तो इस, इस सत्य वचन को युक्ति तर्क अनुमान प्रमाण साधना से अनुभव करना है समझ में आई बात तो इसलिए रामायण सही है फलाना है वेद सही है तो हमने कहा क्या करें तुम्हारे सही मर भी रहे हो आत्मा अमर भी है दो बातें हो नहीं सकती इसलिए आ, सिद्ध करो साधना करो समझने की चेष्टा करो कि मैं अविकारी हूं मैं अलेप हूं आत्मा कमल पत्र में वाम आत्मा कमल के पत्ते के समान अलिप्त है अब आत्मा लिप्त है कमल के पत्र के समान है अब तुमको कैसे दृष्टांत तो आज ही बोल दोगे कमल पत्र की तरह अब ये देखो तुम कमल पत्र की तरह लगते क्यों नहीं हो तुम लिप्त क्यों लगते हो उसको भी समझो लिप्त लगने का कारण क्या है अब इसको यूं समझो स्वप्न में हमारी मृत्यु हो गई कितना मरे थे थोड़ा कम मरे थे स्वप्न में हम छत से गिर गए मर गए एक्सीडेंट हो गया मर गए सांप ने काटा किसी दुश्मन ने गोली चलाई और हम मर गए अब उस समय कितना कम मरे थे उस समय सौ प्रतिशत पूरे ही मरे ही गए थे अब जब नींद खुली तो इतना भी नहीं मरे तो लगने से क्या होता है अभी तुम्हें लगता है सचमुच हम मरने वाले हैं दुखी हैं गरीब हैं, दुखी हैं अशांत हैं, अधूरे हैं पापी हैं जीव हैं, लगता है यदि तुम जानोगे तो मान जाओगे कि हम ब्रह्म हैं ऐसा नहीं है कि मानोगे नहीं समझ आ जाएगा तो समझने में थोड़ी मेहनत करो तो बात बन जाएगी हम यही चाहते हैं कि समझने की कोशिश करो कैसे समझो दलीलें दी जाती हैं समझने के लिए आपको लगता है कि हम ऐसे हो गए उदाहरण क्यों देते हैं स्फटिक मणि होती है स्फटिक मणि के पास लाल लाल कोई ऐसी चीज रख दी ऐसे तो स्फटिक मणि लाल दिखती है एक कांच सा होता है लाल दिखती है पीला रख दिया तो पीली दिखती है हो जाती है कि दिखती है बोलो तो दिखती के अनुसार आपको मानना चाहिए कि जब वो नेचर से इसका रंग उसमें चढ़ाई नहीं है चिपकाई नहीं है तो क्यों मानो तो इसी तरह साक्षी जिस बुद्धि के पास है साक्षी और बुद्धि और उस बुद्धि में रंग चढ़ता है बाहर के पदार्थों का किस में चढ़ता है अभी तो हमने रंग बदल बदल के चीज दे दी अब हम कहते हैं इस इस, इस फटिक के पास एक कपड़ा लाल रंग में डुबोया रख दिया फिर उसको धो दिया कच्चा रंग धो दिया फिर नीले में डुबो के रख दिया फिर धो दिया फिर पीले में रंग के अब जैसे जैसे रंग का कपड़ा कर दिया वैसे ये दिख रही है रंग कपड़े में भी नहीं था बुद्धि में भी कोई रंग नहीं था तो बुद्धि में रंग आया जैसी जैसी परिस्थिति इंद्रियां और मन उसका प्रभाव पड़ा बुद्धि में अब बुद्धि में जैसा प्रभाव पड़ा चैतन्य ने चिदाभास ने स्वीकारा मैं ऐसा हो गया मैं ऐसा हो गया मैं ऐसा हो गया अब साक्षी के पास और कुछ देखने की अकल नहीं है जिससे देखना था वही गड़बड़ हो जाती है जिस बुद्धि से समझना है कि मैं ठीक हूं वो बुद्धि ठीक नहीं रहती वो मन के अनुसार बन जाती यदि मन के अनुसार बुद्धि ना बने तो निर्णय करने के समय मन और इंद्रियों का प्रभाव नहीं होना चाहिए निर्णय के समय एक बार निर्णय हो जाए तो बुद्धि का रंग भी चढ़ जाएगा तब भी फिर तुम यही कहोगे ये यह बुद्धि का धर्म राग क्या धर्म तामे मानत अंध अभी तुम कहोगा कि यह बुद्धि का धर्म है तुम्हारे गले नहीं उतरेगा रट लोगे इसलिए कुछ क्षण मन और इंद्रियों से विषयों से बुद्धि को असन करो इसलिए यश्य ना तो भावो बुद्धि यश्य न लिप्यते आत्मा नहीं बुद्धि बुद्धि जब लिप्त नहीं होगी बाहर से विवेकवती होगी वैराग्यवान होगी बाहर के धन को पदों को लादेगी नहीं अपने में उस बुद्धि में आत्मा की अलिप्तता पूर्णता महानता प्रकट होगी और एक बार बुद्धि में ये प्रकट हो जाए कि मैं तो नित्य शुद्ध मुक्त हूं तो फिर बुद्धि भी चली जाए तब भी हम कहेंगे ये बुद्धि ही ने गड़बड़ किया मेरे में गड़बड़ है ही नहीं बिल्कुल प्रक्रिया वही है पर बोध के बाद ये आना चाहिए आज अभी इतना ही कहकर ऐसे बहुत उदाहरण है कभी कभी हम बस में बैठते हैं बस के शीशा बैंगनी है हमारे सारे कपड़े बैंगनी लगने लगते और जब बस से उतरते हैं जैसे के तैसे अच्छा जब तक बस में थे तब तक तो रंग चढ़ा ही गया था लगता था कि चढ़ गया था और यदि चढ़ गया था तो उतर के साबुन लगाइए सपने के यदि चढ़ गए होते रंग तो जग जाने मात्र से चले जाते जागे खत्म। इसका मतलब में कोई ये जागृत वाले यदि चिपके होते तो स्वप्न ये दे यहां ये ये बीमार पड़ा है बीमार पड़ा स्वप्न में मैं ठीक हो गया केवल बुद्धि में आ गया कि मैं ठीक हूं तो बीमार वाला पड़ा ही रह गया मैं ठीक हो गया और सोपन में मैं पहलवान का जागा तो यहां मरियल पड़ा हूं क्या बुद्धि जिससे जुड़ जाती है इसलिए बुद्धि जब असंग हो जाए अन्यों को अपने ऊपर न ला दे इसलिए कल परसों कहा था कि हम सारी दुनिया का बोझ अपने ऊपर ला दें गधे बने फिरते रहते हैं ये गधापन छोड़ो अपने ऊपर कुछ न ला दो जैसे तुम हो तैसा समझने की कोशिश करो तो आज ही महात्मा हो जाओगे बुद्ध हो जाओगे योगी हो जाओगे ज्ञानी हो जाओगे बाकी चर्चा कल फिर करेंगे ओम शांति शांति